अस्सलाम वालेकुम। आवाम किचन में आज बनने जा रहा है अंडा बिरयानी। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बना के तैयार करते हैं। अंडा बिरयानी बनाने के लिए ये मैंने एक कढ़ाई में तेल को ऐड कर दिया है और उसमें मैं दो मीडियम साइज के प्याज को डाल के गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छे से तेल में मिक्स कर देंगे प्याज को। गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज, इसको निकाल लेते हैं सारे प्याज को। ये मैंने निकाल लिया है। फिर ये दो चम्मच के आसपास मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 12 अंडे को बॉयल कर लिया था और उसको चम्मच से छोटा छोटा उसमें होल कर देंगे ताकि जब मसाले में उसको ऐड करें तो मसाला अंदर तक घुस जाए उसमें। आलू और अंडा दोनों को मैंने बॉयल किया था। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में सभी अंडों को। फ्राई हो चुका है अंडा। अब इन सब अंडों को निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद इसके लिए अब ग्रेवी तैयार करेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने लहसुन अदरक और 4 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। इसको मैं तेल में ऐड कर दे रही हूँ। इसको अच्छे से भून लेंगे तेल में। जब तक लहसुन अदरक भून रहा है, हम दूसरी तरफ अपने चावल की तैयारी कर लेते हैं। ये चावल में लौंग, इलायची, स्याह जीरा, जावित्री सभी मसालों को मैं इसमें पानी में ऐड कर दूँगी और पानी को बॉयल होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल को 1 घंटे पहले वाश करके रख लिया था। ये इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप इस पानी को निकालना है इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ही नमक ऐड कीजिएगा। जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा हल्का ज़्यादा होना चाहिए कि पानी हम निकालेंगे तो फिर परफेक्ट हो जाएगा नमक चावलों में। ये लहसुन अदरक हरी मिर्च भून चुका है, इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच जीरा पाउडर। इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से सभी मसालों को। मसाला जले नहीं इसके लिए मैं 2 चम्मच इसमें पानी डाल देती हूँ। मसाला भून चुका है, इसमें मैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। पाउडर है मेरे पास रेडीमेड। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुन चुका है मसाला। अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को पेस्ट बना लिया था, उसको मैं इसमें डाल के भून लूँगी। अच्छे से मिला लेंगे इसको सभी मसालों के साथ। तेल पुश आउट होने तक इसको भून लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। मिला लेते हैं इसको अच्छे से। इसको कवर करके 10 मिनट तक पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तब तक पानी में बॉयल आ चुका है। चावल को मैं ऐड कर देती हूँ। चावल को ऐड कर दिया है मैंने। इधर मसाला भी भून चुका है, देखिए तेल सरफेस पे आ चुका है। एक बार इसको मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे।
आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे इसमें। पानी को मसाले को 5 मिनट और पकने देते हैं। तब तक इधर देखिए चावल मेरा 90% पक चुका है। अब इसका पानी निकाल लेते हैं। ये मसाला भी 5 मिनट हो गया है पकते हुए, जो मैंने पानी डाला था। अब इसमें सारे आलू को ऐड कर देंगे, मिला लेंगे इसको अच्छे से। जो अंडा मैंने फ्राई किया था इसको भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे आलू और अंडा को ग्रेवी के साथ, ताकि चारों तरफ से मिक्स हो जाए आलू और अंडे में सारी ग्रेवी। ढक के इसको 5 मिनट पकाएंगे। थोड़ी सी ये मुझे थिक लग रही है, थोड़ा सा पानी मैंने और इसमें ऐड किया है। गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने डाला है इसमें ऊपर से। ये मेरे पास 250 ग्राम दही है, इसमें 1/4 ⅓ चम्मच मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो पुलाव या बिरयानी में डालते हैं हम। ये आलू अंडा की सब्जी बन के तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद कर देते हैं, दूसरे तरफ चलते हैं इसको। ये मैंने पतीले में 1 चम्मच घी अंदर नीचे डाल लिया है, उसमें मैंने आलू अंडे की सब्जी को पलट दिया है। और ये जो मैंने ये फूड कलर और दही डाला था उसको ऊपर से मैं इसमें बिछा दूंगी। अच्छे से डाल दी हूँ, अब सारे चावल को इसके ऊपर बिछा देंगे। चावल हमारा 90% कुक है। 10 मिनट हम इसको दम पे पकाएंगे, जिससे ये 100% कुक हो जाएगा। सभी चावल को ऊपर से ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने खिले खिले माशाल्लाह चावल बन के तैयार हुए हैं। आप इस तरह से बनाएंगे अंडा बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। सभी चावलों को डाल दिया है मैंने, ऊपर बिछा दिया है। ये गार्निशिंग के लिए मैं धनिया पत्ती इसमें डाल देती हूँ पुलाव के ऊपर। धनिया पत्ती डाल दिया है मैंने। अब ये ऑनियन जो फ्राई करके मैंने रखा था इसको इसके ऊपर सारे बिछा देंगे ऑनियन को। अगर आपके पास केवड़ा जल है तो आप इस समय 2-4 बूंदे केवड़ा जल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये 1/4 चम्मच में इसमें इलायची पाउडर चारों तरफ डाल रही हूँ, उतना ही 1/4 चम्मच ये दालचीनी पाउडर है इसमें डाल देंगे अच्छे से चारों तरफ से। इसमें मैं 4 हरी मिर्च बीच से काट के इसके ऊपर फैला दूंगी। और इसमें मैं 4 चम्मच घी ऊपर से ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो मैंने पुलाव बनाया था उसमें घी नहीं था, ऐसे ही सादे चावल थे। ऊपर से ये घी ऐड कर दूंगी। जब फ्लेम पे ये दम लगेगा तब पूरा मेल्ट हो जाएगा घी, ये सभी चावलों में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा। घी को मैंने डाल दिया, इसको ढक के दम देते हैं 10 मिनट के लिए। ये ऊपर से नींबू मैं डाल दूंगी। एक केजी चावल था, इसमें पूरा 1 नींबू जाएगा। नींबू डाल के इसको 5 मिनट ढक देंगे।
देखिए 5 मिनट ढकने के बाद ये मेरी अंडा बिरयानी बन के तैयार हो गया। देखिए कितने खिले खिले माशाल्लाह चावल बन के तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होगा। ये जो मैंने आलू डाला था ना उसके साथ वही है अंडे के साथ। बहुत ही टेस्टी और परफेक्ट तरीके से बन के ये तैयार होती है। फ्रेंड्स अगर ये मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नए रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।